अ मुस्लिम शुड डिफेंड इस्लाम एंड नाट हिज कंट्री जब मैंने टाइटल देखा ट्विटर पर एक ट्विटर स्पेस की डिस्कशन का और उसके कुछ क्लिप सुने तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि यही माइंड सैट मुस्लिम ब्रदरहुड का चला आ रहा है यही माइंड सैट जमात इस्लामी टाइप ऑर्गेनाइजेशन का है और वो नहीं मानते देशों को वो कहते हैं हम एक उम्मा है सर, सर अफगानी मुस्लिम पे ट्रस्ट कर लें इंडियन मुस्लिम पे ट्रस्ट ना करें फॉर द लव ऑफ द गॉड ये हिंदुओं से ज्यादा खतरनाक है सर आपके लिए जब वो एक उम्मा की बात करते हैं तो इस्लामिक सिविलाइजेशन की वो बात कर रहे होते हैं और सवाल ये है कि क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन नाम की कोई शय है मेरा साफ एनालिसिस है फिलोसफिकल स्टडी है कोई इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं अरब सिविलाइजेशन है मैं ऐसा क्यों कहता हूं इस पे मैं तफसी बातचीत करूंगा आगे चलकर मैं इससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए ये है मेरा बहुत ही पर्सनल सा मैसेज मैं बातचीत करता हूँ जैसा मैंने कहा इस्लामिक सिविलाइजेशन के हवाले से खास तौर पर इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो गुबार है वो साउथ एशिया में बहुत पाया जाता है साउथ एशिया के मुसलमान ये समझते हैं कि वो इस्लामिक सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं मुस्लिम उम्मा का हिस्सा हैं मगर भूल जाते हैं कि इस्लाम जहाँ से आया था यानी अरब की दुनिया और अरब से उनके प्रॉफिट मोहम्मद का ताल्लक़ था और प्रॉफिट मोहम्मद अरब सिविलाइजेशन की एक इंतहाई अहम शख्सियत थी उनका भी साउथ एशिया के मुसलमानों के साथ कोई लीन के अतबार से तलक नहीं अगरचे साउथ एशिया में सैयद कह के अपने आप को आले रसूल कह के बहुत शोर मचाया जाता है जी कि हम आले रसूल हैं और वहाँ से आए हैं भले से वो मेरी तरह हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हिंदुओं की ही आ, आगे कन्वर्टेड जनरेशन्स में से एक हों मगर वो मानेंगे नहीं और अपनी हिंदू सिविलाइजेशन को नहीं मानेंगे अपनी एक फैंसी किस्म की इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे बातें करते रहेंगे यानी एक झूठ के अंदर फंसे रहेंगे अब मैं बातचीत करता हूँ क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन किसी शहर का नाम है क्या हिंदू सिविलाइजेशन किसी शहर का नाम है यकीनी तौर पर हिंदू सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशन है क्योंकि वो अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई है इसलिए हिंदुस्तान ग्रेटर हिंदुस्तान के जितने लोग हैं चाहे वो आज कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए कन्वर्ट होके क्रिश्चन बन गए कन्वर्ट हो के कुछ भी बन गए ईरान से लेके श्रीलंका तक श्रीलंका से ले के, के नेपाल तक और भारत समेत वो सभी के सभी चाहे उनके धर्म बदल गए वो हिंदू सनातनी अपनी सिविलाइजेशन के एतबार से हैं क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन अपनी धरती अपने कल्चर के साथ जुड़ी हुई है अब जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो एक शराब का नाम है इसी तरह मैं यहां पे ये भी हिंट देता हूं क्रिश्चियन सिविलाइजेशन भी किसी चीज का नाम नहीं क्यों मैं इसमें दोनों धर्मों के हवाले से डिसरेस्पेक्टफुल नहीं हूं मैं फिलोसफिकली बात बता रहा हूं आपको दुनिया की 200 सिविलाइजेशन या दुनिया की 200 से ज़्यादा एथनिक कम्यूनिटीज़ मुसलमान भी मिलेंगी और क्रिश्चियंस भी मिलेंगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक फेथ क्लब है जिस फेथ क्लब में सोमालिया से लेके बोस्निया तक लोग क्रिश्चियंस भी हुए और मुसलमान भी हुए फिर साउथ एशिया से लेके चीन तक लोग क्रिश्चियन भी हुए और मुसलमान भी हुए मगर सोमालिया का अफ्रीकी सूडान का अफ्रीकी वो अफ्रीकी सिविलाइजेशन का है बोस्निया का मुसलमान या बोस्निया का क्रिश्चियन वो तुर्कों की नस्ल का है और हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का क्रिश्चियन वो हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन से है फिलोसफिकल मसला है मगर मुस्लिम ब्रदरहुड ने और जमात इस्लामी टाइप ऑर्गेनाइजेशंस ने जो चूरन बेचा अपने पॉलिटिकल इस्लाम के चक्कर में वो इसलिए बेचा कि वो ये चाहते थे कि एक उम्मा बन जाए अब मुस्लिम ब्रदरहुड के इजिप्शियन लोग वो जब मेरे साथ कभी बैठेंगे या जब कभी बैठते हैं हम कहीं ना कहीं दुनिया के कोनों में मिल ही जाते हैं तो हमारी ना भाषा एक होती है ना हमारा खाना एक होता है ना हमारा म्यूज़िक एक होता है ना हमारे सोच का अंदाज़ एक होता है ना हमारे मसाले एक होते हैं बस हम एक दूसरे का हाल पूछते हैं ब्रदर हाउ आर यू ब्रदर इज़ योर हेल्थ इसके बाद हमारी गुफ्तु -गुफ ख़त्म हो जाती है और जब मेरी हिंदू सिविलाइजेशन से तल्लक रखने वाले बहन भाई मुझे मिलते हैं तो हम घंटों क्या हमेशा बातें कर सकते हैं क्योंकि हमारी साइकी एक होती है हमारा सोचने का अंदाज एक होता है हमारा पहनावा एक होता है हमारा खाना एक होता है हमारे जोग से एक होते हैं ये होती है सिविलाइजेशन अब मिडल ईस्ट में भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश के जो मुसलमान काम करते हैं वो मिडल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों की जो अरब पॉपुलेशन है उनके साथ कभी भी घुल मिल नहीं सकते क्योंकि मिर्च मसाले मुख्तलिफ सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ पूरे का पूरा कल्चर मुख्तलिफ अरबों की जो सिविलाइजेशन है वो भी इस्लामिक सिविलाइजेशन नहीं है वो भी दर हकीकत अरब सिविलाइजेशन है क्योंकि अरब सिविलाइजेशन में मुसलमान भी हैं क्रिश्चनस भी हैं जूस भी हैं पेगन्स भी हैं यजीदी भी हैं वो एक ही जुबान बोलते हैं एक ही अंदाज के साथ सोचते हैं सिर्फ उनकी इबादत में फ़र्क होता है और उनका महबी रुझान फ़र्क होता है किसी का महबी नुकता नज़र यजीदियत है किसी का महबी नुकत नज़र इस्लाम है किसी का क्रिश्चियनिटी है किसी का जुदाज़म है मगर वो सब अरब सिविलाइजेशन के लोग हैं ये है सिविलाइजेशन की डेफिनेशन जो मामला इस्लाम का है इसी तरह अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हम सुबह शाम जिसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं उसमें अगरचे जो क्रिश्चियन रिलीजियस थॉट्स हैं वो ओवरवेलमिंग होते हैं मगर वेस्टर्न वर्ल्ड का जो वेस्टर्न कल्चर है चाहे वो आर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्रीज का हो चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स का हो चाहे वो कैथोलिक का हो वो उनका कल्चर एक होता है उनके सेक्ट्स डिफरेंट होते हैं और इस तरह जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें एथीस्ट यानी उसमें जो गैर मजहबी लोग हैं वो आजकल ज्यादा पाए जाते हैं मगर इस सब के बावजूद जो चर्च जाते हैं या जो चर्च नहीं जाते या जो एग्नोस्टिक हैं उन सब का कल्चर खाने जिंदगी गुजारने का रंग ढंग एक ही होता है ये होती है सिविलाइजेशन अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनफैक्ट क्रिश्चियन सिविलाइजेशन नहीं है क्योंकि क्रिश्चियंस तो अफ्रीका में भी होते हैं साउथ एशिया में भी होते हैं साउथ ईस्ट एशिया में भी होते हैं चाइना में भी होते हैं और वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होते हैं मगर तहजीबें अपनी अपनी हैं अफ्रीका की अपनी तहजीब है साउथ एशिया की अपनी तहजीब है चाइना की अपनी तहजीब है मगर इन सब तहजीबों में जो क्रिश्चियंस लोग बसते हैं वो अपने फेथ क्लब के अतबार से क्रिश्चियंस होते हैं अपने सिविलाइजेशन के एतबार से क्रिश्चियंस नहीं होते ये वो बात है जो सम टाइम मेरे इंडियन बहन भाई ख़ास तौर पर हिंदू बहन भाई भी नहीं समझ पाते वो जब मुझे कहते हैं कि आप ताहिर साहब मुसलमान हो तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं एक इस्लामिक फेथ वाले घर में पैदा हुआ हूँ मुसलमान मेरी रेस का नाम नहीं है क्योंकि सिविलाइजेशन रेस के साथ जुड़ी होती है मेरी नस्ल का नाम मुसलमान नहीं है मेरी फेथ क्लब का नाम मुसलमान है अगर मैं उस पर फेथ रखता हूं या जिस लेवल का भी मैं फेथ रखता हूं यह एक अलग बहस है लेकिन जब किसी हिंदू से कहा जाएगा तो उसकी रेस भी हिंदू है उसकी सिविलाइजेशन भी हिंदू है उसका धर्म भी हिंदू है यह है फर्क हिंदू सिविलाइजेशन या अगर कोई अपने आप को क्रिश्चियन सिविलाइजेशन या मुस्लिम सिविलाइजेशन के साथ जोड़े तो ये फ़र्क है मगर बुनियादी तौर पर फिलोसफिकली मुस्लिम सिविलाइजेशन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन नहीं होती ये फेथ क्लब होती है इनके फेथ के जो भी इश्यूज़ हैं वो जाने उनका काम जाने मैं हर फेथ की रिस्पेक्ट करता हूं जहां जहां जिस फेथ क्लब में भी ह्यूमन राइट्स का इशू होगा मैं उस पर आवाज भी उठाता हूं ये एक अलग बहस है आज मेरी बहस ये है कि सिविलाइजेशन क्या होती है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन किस चीज़ का नाम है क्रिश्चियन सिविलाइजेशन किस चीज़ का नाम है या इनफैक्ट फिलोसफिकली ये एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं और हिंदू सिविलाइजेशन किस शहर का नाम है हिंदू सिविलाइजेशन से ही सिख धर्म निकला और सिख धर्म बुनियादी तौर पर सनातनी धर्म है मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ और जो हमारे सिख मत के लोग हैं उन्होंने चूंकि पंजाबियत पंजाबी, पंजाबी वसीब के साथ अपना आ, जो है आ, सब कुछ ओढ़ना बिछोना रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं किसी हद तक कि ये एक ऑफ शूट है पंजाबी सिविलाइजेशन की और उस पंजाबी सिविलाइजेशन के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं भी पंजाबी हूँ मेरे भी पंजाबी खाने हैं मेरे भी पंजाबी ढंग हैं, मेरी भी पंजाबी भाषा है तो ये उसकी एक तरह से ऑफ शूट है उसकी एक ब्रांच सी है मगर बुनियादी तौर पर यह भी मेरी राय में हिंदू सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है अब शुरू में मैंने वो एक स्टेटमेंट पढ़ी थी मैं उस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ता हूँ जिसमें ट्विटर की एक जिसको आज हम भी कहते हैं उसमें एक जो स्पेस है जिसमें डिस्कशन होती है आप सब उन स्पेसिस को जानते हैं उसमें एक आ, स्पेस में पाकिस्तानी अपनी बातचीत कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अ मुस्लिम शेल डिफेंड इस्लाम नॉट हिज कंट्री यानी अपने देश के साथ आप वफादार ना हों आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के साथ वफादार हों ये बात जो पाकिस्तानी कर रहे हैं अगर ये बात वो अरब में जैसा कि बहुत सारे पाकिस्तानी अरब मुल्कों में काम करते हैं अगर वो अपने अरब मुल्कों के आ, जो हुरान हैं उनके सामने ये बात कर दें तो वो फिर इनकी अच्छी खासी तबीयत साफ़ करेंगे क्योंकि वो इस्लाम को डिफेंड करना वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं समझते वो वहाँ की जो वैल्यूज़ हैं और जो वहाँ का कल्चर है और जो पोलिटिकल ऑर्डर है गवर्नेस का जो तरीका वो उसको डिफेंड करना बुनियादी काम समझते हैं अगर यू कि किसी पुलिस मैन को अगर ये पाकिस्तानी कहें जी हमारा काम जो है वो सिर्फ इस्लाम को डिफेंड करना है जिस देश में अब हम रह रहे हैं यानी यू ए में उसको डिफेंड करना नहीं है तो मेरा ख्याल है वो पहला काम ये करेंगे कि इनको डिपोर्ट करेंगे वहां से सऊदी अरब वाले भी यही करेंगे तो ये एक पागलपन है जिसका इजहार वो करते रहते हैं उस पागलपन की तरफ मैं बाद में आऊँगा अब उसी आ, स्पेस से मैं एक ऑडियो वीडियो क्लिप आप कह रही आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने आ, आरिफ अजाकिया जी के शो में भी आ, जो मैंने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया जो मैंने एक कन्वर्सेशन उनके साथ की उसमें भी शेयर किया है मैं यहाँ पर भी वो शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उन पर भी ट्रस्ट ना करें अफगानियों पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भी ट्रस्ट ना करें हत्या कि जो कश्मीर उन्होंने आज़ाद करवाना है ख्वाबों ख्यालों में वो कह रहे हैं उन कश्मीरी मुसलमानों पर भी ट्रस्ट ना करें पाकिस्तानी मुसलमान इस ट्विटर स्पेस में उन कश्मीरी मुसलमानों को भी घुसपैठिए कह रहे हैं सुनिए इस वीडियो क्लिप तो भाई ये जो कश्मीर के जो मेजोरिटी मुसलमान है ना आप यकीन माने वो हमारे साथ ही नहीं सर ये इतने घुस बैठिए किस्म के लोग हैं आप सोच नहीं सकते ये इनके शक्लें और हैं इनके करतूत और हैं ये दिल से नफरत करते हैं और सर कश्मीर के पास जो भी जुल्मी होती है पाकिस्तान खड़ा होता है गालियां हमें पड़ती हैं ये अनुमान जैसे बगैर है इंडिया में सर आप इनकी पर कैसे कर सकती हैं सर आप इनके रेप होते हैं हम आवाज उठाते हैं गालियां हमें देती हैं सर कोई जुल्म हो हम आवाज उठाएं गालियां तुम पाकिस्तानी ये तुम पाकिस्तानी वो सर आप इन लोग टू हेल्प विद यू ये भाड़ में गए बगैर सारे सर सर एक वो सर अफगानी मुस्लिम पे आप ट्रस्ट कर लें इंडियन मुस्लिम पे ट्रस्ट ना करें फॉर द लव ऑफ द गॉड ये हिंदुओं से ज्यादा खतरनाक है सर आपके लिए क्योंकि सर ये जिस दिन और सर ये ही हमारे सामने खड़े होंगे यकीन माने और इतने ये कोई दिल से हमारे साथ बुकस रखते हैं पाकिस्तानियों से ये तो बर्दाश्त हमें स्पेसिस में बर्दाश्त नहीं कर सकते सर आप क्या कहते हैं कि अगर आज इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर खुल गए सर सबसे ज्यादा घुस बैठिए ये लोग होंगे जुराब पेशा ये लोग हैं और सर ये पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं तो इसलिए सर आइडेंटिफाई यो एनिमी और सर हमारा जो असल दुश्मन है वो इंडिया का मुसलमान है सर इंडिया का मुसलमान हमारा दुश्मन है और कोई नहीं यकीन मानने सर कसम हुदाकिंग की स्पेसिस से भरी हुई है सर इनसे प्यार से बात करो आगे, आगे गानिया इनको तमीज से बात करो आगे गानिया इनके साथ आप आप, आप हाथ बढ़ाओ सर आपको धके देते हैं निकालते हैं आपको ये सर इनसे आप बात नहीं कर सकते तो ये बात है कि सर आप अपने आप को पहचाने असर इंडिया में रेप होते हैं इनके गले करते हैं लेट इट हैपन सर मैं यकीन से आपको कह रहा हूं क्योंकि सर ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर आजमाइश है और ये लोग डिजर्व करते हैं कि अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान पे ऐसी आजमाइश आए मगर सर ये लोग इन लोगों के करतूत ऐसी हैं कि ये हिंदुओं के नीचे रहेंगे अ मुसलम शेल डिफेंड इस्लाम एंड नाट हिज कंट्री के टाइटल की आ, इस ट्विटर स्पेज पर एक पाकिस्तानी मुसलमान इंडियन मुसलमानों के हवाले से ये कह रहा है ऑडियंस को ये बता रहा है सोशल मीडिया पर ये पैगाम दे रहा है कि जो भारत के हिंदू हैं उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक भारत के मुसलमान हैं पाकिस्तानियों के लिए और वो ये कह रहा है कि ये जो कश्मीरी मुसलमान है यानी जम्मू कश्मीर के मुसलमान ये घुस बैठिए हैं तो ये माइंडसेट किसी एक शख्स का नहीं है बाय द वे मिलियंस लोगों का है और उस कश्मीर के लिए है जिसको ये आज़ाद करवाना चाहते हैं तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि जो क्रेजीनेस है वो किस लेवल की है और जिस सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम का काम है इस्लाम को डिफेंड करना कंट्री को डिफेंड करना नहीं है कंट्री जाए बाढ़ में और अब पता नहीं किस सिविलाइजेशन में वो कंट्री बसता है ये किस ख्याल खाब की सिविलाइजेशन है जहां से ये धर्म निकला यानी इस्लाम जहाँ से निकला वहां पे ये ख्यालात नहीं है मगर ये ख्याल पाकिस्तान में नाम नेहाद पढ़े लिखे लोगों के मिलियंस एंड मिलियंस के हैं मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये जो सिविलाइजेशन का या इस्लामिक सिविलाइजेशन के चक्कर में मुस्लिम उम्मा का जो ख्वाब ख्याल है कि जिसमें पाकिस्तानी मुसलमान इंडियन मुसलमानों के बारे में ये राय रखता है और फिर वो मुस्लिम उम्मा की बात भी देखता है उसका भी ख्वाब देखता है और उसकी बात भी करता है ये कैसे चीज़ें हैंड इन हैंड जाएंगी वो कभी नहीं सोचते कि वो तो हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तानी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर रहा तो फिर किस मुस्लिम भाईचारे की बात है तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इस्लामिक सिविलाइजेशन का ये जो खाब है या ये जो चूरन है ये सुबह शाम जो चाटते रहते हैं उसकी क्या वैल्यू है उसकी क्या हैसियत है क्योंकि ये नेचुरल ही नहीं है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता और कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है ये एक फेथ क्लब है मैंने शुरू में कहा बीच में भी कहा मुझे किसी फेथ क्लब से कोई प्रॉब्लम नहीं है हर एक को अपना फेथ रखने का हक हासिल है अगर मुझे किसी फेथ के किसी कंपोनेंट से थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट होगा तो मैं रिस्पेक्टफुली कह दूंगा मगर ये लोग तो रिस्पेक्टफुली कुछ कहने के ही कायल नहीं एक दूसरे को अपने ही भाई बंदों को रिस्पेक्टफुली कुछ कहने के कायल नहीं इसी ट्विटर स्पेस में यही शख्स जो बोल रहा है इस ये बकायदा गालियां भी दे रहा है मैंने वो गालियां एडिट की हैं तो ये है मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम या इस्लामिक सिविलाइजेशन की हकीकत इसीलिए तो भारत के आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम पॉलिटिशियन असदुद्दीन अवैसी बार बार कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों में क्या क्रेज़ीनेस है वो तो पागलपन का लफज इस्तेमाल करते हैं शायद इसी वजह से ये शख्स मजबूर हुआ जो पाकिस्तानी बोल रहा है कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमानों पे ट्रस्ट ना करें भाई सवाल ये है कि किसने कहा तुम्हें या दूसरे पाकिस्तानी मुसलमानों को कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पे ट्रस्ट करें हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कोई आपको पुराने ज़माने की तार भेजी थी या कोई आज के ज़माने की ईमेल भेजी है किसने कहा हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कोई दावत भेजी है पाकिस्तानी मुसलमानों को वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि अपने अपने देश को डिफेंड ना करें सिर्फ इस्लाम को डिफेंड करें तो ये ख्वाब आपका ख्वाब है ना जो आपने अलामा इकबाल के खाब से आ, उधार लिया है लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है देखने वाली बात तो ग्राउंड रियलिटी की है अब मैं असदुद्दीन अवैसी का एक वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान के तब के एक मिनिस्टर शेख रशीद हुआ करते थे उन्होंने जब पाकिस्तान गालमन कोई क्रिकेट का मैच वैच जीता था तो उन्होंने कहा था इस्लाम की जीत हुई है तो उस पे उन्होंने क्या कहा था असदुद्दीन अवैसी साहब ने वो वीडियो क्लिप मैं आपके सामने शेयर करता हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है पागल है, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई अरे अहमा जीने इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है जीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता जो लोग गए उनको पदार जब हम इन प्रकार परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात कहते हो वो चीन जो सिंजिया में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया जिनको जबरन शूर खिलाया जा रहा है चीन में आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है अरे मिनिस्टर पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते भारत बहुत आगे है भारत से पंगा मत लो ये हमारे घर का मामला हम घर में तय कर लेंगे हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा तो असदुद्दीन अवैसी साहब पाकिस्तानी मुसलमानों को मशवरा देते हुए कहते हैं कि भारत तुमसे बहुत आगे है भारत के साथ पंगा ना लो फिर वो उनको याद दिलाते हैं कि चीन जो तुम्हारा बड़ा आइडियल मुल्क है वहाँ पे तो दो मिलियन मुसलमानों को सूर का गोश खिलाया जाता है उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती तो ये भारतीय मुसलमान असदुद्दीन अवैसी जो वहाँ के प्रामनेंट मुस्लिम लीडर हैं वो पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे रहे हैं तो जब पाकिस्तानी ट्विटर स्पेस पे आके ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर ट्रस्ट ना करो अफग़ानियों पर ट्रस्ट कर लो तो वो शायद ये भूल गए कि अभी अफगानियों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पे जिस तरह धावा बोला और जिस तरह पाकिस्तानी परचम को वहाँ से उतार नीचे फेंका उसके बाद शायद वो अफ़ग़ानियों पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे वो तो शायद पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ गुतम गुता रहते हैं एक दूसरे को गद्दार कहते रहते हैं कल पीटीआई वाले गद्दार कह रहे थे सारे पाकिस्तानियों को आज सारे पाकिस्तानी उनको गद्दार कह रहे हैं और काफिर भी कहते रहते हैं एक दूसरे को तो यह तो आलम है मुस्लिम उम्मा का इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो इन्होंने एक झूठे रंग से बना के रखी हुई है इस्लामिक सिविलाइजेशन अगर कोई है तो उसके दावेदार सिर्फ और सिर्फ अरब हो सकते हैं क्योंकि उनसे यह फेत निकला है मगर अरब भी समझदार लोग हैं उनको मालूम है कि हमारी सिविलाइजेशन में सिर्फ इस्लाम का धर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी भी है जुदाइजम भी है इवन पेगनिज्म भी है इवन यजीदी भी है और भी बहुत सारे वहाँ पे मुकामी बहुत सारे धर्म हैं उनको रिस्पेक्ट है फिर भी अपने इर्द गिर्द के कल्चर की तो अरब सिविलाइजेशन है अगर इस्लामी सिविलाइजेशन बनानी होती तो अरब कब की बना चुके होते मगर जब से ये इस्लाम खास तौर पर साउथ एशियस के हाथ आया है और कहीं कहीं अफ्रीका में भी मुझे ये सूरत नजर आती है सो मै सो कहीं कहीं मुझे आ, ये सूरत हाल तुर्कों में भी नजर आती है मगर कम है पाकिस्तान बांग्लादेश और खुद हिंदुस्तान में ये सूरत हाल बहुत ही खौफनाक हद हाँ तक है ये सब इस्लाम के सेल्फ इनाउंसड कस्टोडियन बने हुए हैं और जहां से इस्लाम फूटा उनसे ये कंसल्ट नहीं करते उनके मुल्कों में इनके लाखों लोग काम करते हैं वहां इनकी जरूरत नहीं होती किसी किस्म की बात करने की क्योंकि इनको पता है कि अरब अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए इनके साथ क्या सलूक करेंगे लेकिन ये सोशल मीडिया पे आके या जब से पाकिस्तान बना है या इवन बांग्लादेश में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं इवन सो मच सो हिंदुस्तान में मुसलमानों के भी ऐसे एलिमेंट्स हैं वो इस तरह की बातें करते रहेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन इस्लामिक उम्मा की लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको पाकिस्तान के मुसलमानों की हैसियत का काफ़ी अंदाज़ा है जिसका आपने इदराक किया होगा जिसका अंदाज़ा आपने लगाया होगा असदुद्दीन अवैसी साहब के इस क्लिप से जो मैंने आपको सुनाया लेकिन मैं यहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान बहन भाइयों को एक मशवरा देना चाहता हूँ क्योंकि उनमें से अभी भी कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बहुत आइडियालाइज़ करते हैं ये सोचे समझे बगैर ये जाने बग़ैर कि पाकिस्तानी मुसलमानों के उनके लिए क्या जज्बात हैं पाकिस्तानी मुसलमान तो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के हवाले से ये कहते रहते हैं कि उनका बुरा हाल है हालांकि कोई सिचुएशन ऐसी हरगिज नहीं हिंदुस्तान में कि जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान किसी किस्म की तशवीश का इज़हार करें जहाँ इतनी बड़ी कम्यूनिटीज़ रहती हैं वहाँ इक्का दुखा वाक़ भी होते रहते हैं पाकिस्तान में तो मेजोरिटी मुस्लिम्स की है वो तो एक दूसरे के गले काटते रहते हैं हिंदुस्तान में कहीं इक्का दुखा कोई ना कोई ऐसी आ, राइट्स की या कोई ऐसी आ, बात हो जाती है जो नेचुरल होती है जो मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ रहती हैं अमरीका में आप देख लीजिए इवन कैनेडा में इशूज़ होते हैं और माशरे और सोसाइटीज़ उनशूज़ को सॉल्व करती हैं लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान वो मुसलमान जो शायद ज़्यादा बड़ी परसेंटेज में नहीं मगर वो शायद एक दो परसेंटेज में हैं और एक दो परसेंटेज भी अच्छा ख़ासा नंबर बनता है जो पाकिस्तान को आइडियालाइज़ करते हैं उनको समझ लेना चाहिए जान लेना चाहिए कि पाकिस्तानी मुसलमानों का उनके हवाले से क्या रवैया है और पाकिस्तानी मुसलमान जिस मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं उसकी क्या हकीकत है इस हकीकत को बंगाली मुसलमानों ने तो नाइनटीन सेवेंटीज़ में ही जान लिया था और परख लिया था जब पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों ने इंसल्ट की बंगाली मुसलमान बहन भाइयों की और पाकिस्तानी मुस्लिम फ़ौज ने बंगाली लोगों का कत्लेआम किया बंगाली मुसलमानों को मुस्लिम उम्मा की हकीक़त तो 1971 में मालूम हो गई थी Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.